मेरा इतना अपमान हुआ, घोर अपमान। इतने इतने वीर लोग सैनिक को एक साथ पराजित किया, किस मुद्दे में हस्तिनापुर जाऊंगा? तुम इतने उज्जवल तेजिक मत हो, कौन कहा कि तुम पराजित हो गए? नहीं पा, नहीं तुम पराजित नहीं हुए हो। मैं कुछ समझा नहीं। जय जनक जैसे महान योद्धा का उसने फतह कर दिया। किसने आप जैसे आदमी ने चमत्कार नहीं दिखाया इस बार? अर्जुन, हम दोनों नर नारायण के अवतार हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। कृष्ण अर्जुन एक ही है और वह तुम्हारा भक्त भी है। तुम ही सोचो पा, क्या तुम अपने भक्त का वध करना चाहोगे? नहीं, ये क्या कर रहा है माधव? हाँ पार्थ, मैं इतने समझाता हूँ। परम ध्वज हमारा भक्त है, वो नर नारायण का भक्त है। इस अनुसार वह तुम्हारा भी भक्त हुआ। तो फिर इसकी परीक्षा ली जाए। हाँ भक्त, बिल्कुल उसकी परीक्षा जरूर लेंगे। बस तुम्हें इस बात को किसी को मत कहना है, हम उसकी परीक्षा जरूर लेंगे। ठीक है माधव, चलेंगे ठीक, लेकिन वहाँ सब कुछ हम बोलेंगे, आपको चुपचाप रहना होगा। नहीं पर मैं गुरु बनूंगा, आप मेरे शिष्य बनकर दरबार में जाओगे। ठीक है माधव, ऐसा ही होगा। बिल्कुल महाराज, श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम या राज, अमर रहिए, कहिए धर्मराज, कहिए धर्मराज। क्या आप भी मयूर ध्वज की परीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ महाराज, अवश्य प्रभु। आपकी लीला कैसी है? इस बिष्णापुरी के खींचे हुए देव दानव और पशु पक्षी है जो भी मरते हैं और सीधा बैकुंठ लोग जाते हैं। हाँ यमराज, ये हाँ कि मयूर ध्वज वो हमारे परम भक्त है, जिस कारण यहाँ पर जितनी भी मृत्यु होती है वो डायरेक्ट स्वर्ग लोग जाते हैं। आपकी जैसी आज्ञा प्रभु, लेकिन मैं भी उनका परीक्षा लेना चाहता हूँ। अवश्य ले यमराज, हम दोनों उन्हीं के दरबार जाने की कल्पना कर रहे हैं। क्या आप भी हमारे साथ चलना स्वीकार करेंगे? अवश्य प्रभु। ठीक है, इन बातों को गुप्त ही रखना है यमराज। हम दोनों साधु के भेष में रहेंगे और आप सिंह के भेष में रहिएगा। ठीक है असुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यमराज।
बड़ा ज्यादा।